फल खाना सेहत के लिए जितना हेल्दी होता है उतना ही अधिक फायदेमंद होता है जूस पीना भी। फलों में पपीते का अपना अलग स्थान है। पपीते को कच्चा या पक्का किसी भी तरह से खाया जा सकता है। साथ ही इसके पत्तों का भी आयुर्वेद में कई रोगों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेंगू के इलाज में पपीते के पत्तों के जूस का सेवन करने से प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाता है। पपीता पेट के लिए एक बेहतरीन फल माना गया है जो पाचन स्वास्थ्य को दुरुस्त रखता है। सिर से लेकर पैर तक पपीता कई रोगों से बचाता है। पपीते में मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें जिंक, नियासिन, विटामिन सी, कॉपर, सोडियम, फोलेट, मैग्नीज, आयरन और कई तरह के विटामिन के साथ साथ फाइबर, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन जैसे तत्व मौजूद होते हैं। यदि आप पपीते का जूस पीते हैं तो इसमें भी कई तत्व मौजूद होते हैं जैसे विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम, जिंक, फोलेट वगैरह। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कई तरह की शारीरिक समस्याओं को दूर करते हैं। तो आइए जानते हैं पपीते का जूस पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। यदि आप अपना वजन कम करने की योजना बना रहे हैं तो पपीते के रस को डाइट में जरूर शामिल करें। पपीते में फाइबर होता है, इससे तैयार जूस आपको लंबे समय तक तृप्त रखता है। साथ ही मल त्याग में भी कोई समस्या नहीं आती है। पपीते के जूस में कुछ ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करते हैं। एक गिलास पपीते का जूस पीने से इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है। इसमें विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कई तरह के संक्रामक रोगों से बचाए रखता है। इसके अलावा अगर आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो डाइट में पका या फिर कच्चा पपीता जरूर शामिल करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसमें विटामिन ए बहुत अधिक होता है। ऐसे में बच्चों को यह फल जरूर देना चाहिए। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट में दर्द, ऐंठन को कम किया जा सकता है। पपीता इसमें बेहतरीन विकल्प साबित होता है। इसमें मौजूद पेपेन नामक एंजाइम पीरियड्स के फ्लो को सही करता है और इस दौरान होने वाले हर तरह के शारीरिक दर्द को दूर करता है। विटामिन सी की कमी से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ऐसे में पपीते का जूस पीने से स्ट्रेस कम हो सकता है, मूड दुरुस्त होता है और शरीर में हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में मदद मिलती है। पेट के लिए पपीता और इसका जूस बेहद स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। हालांकि इसमें फाइबर होता है जो पेट संबंधित समस्याओं जैसे गैस, अपच, कब्ज आदि से बचाता है। पपीते का जूस बनाने का तरीका, आप एक पका हुआ पपीता लें, इसका छिलका छील दें और पानी से साफ करके छोटे टुकड़ों में काट लें। इसे मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। थोड़ा सा पानी डालें ताकि यह लूज बने। इसमें स्वाद देने के लिए काला नमक, नींबू का रस, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर डालें। आप इसे मीठा भी बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा शहद मिलाएं, फिर इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद जूस पीने का आनंद लें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।